बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उनके काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरों से हमला बोल दिया। जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से उन्हें चोटें नहीं आई, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बाएं हाथ में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। दरअसल विजयवर्गीय ने गाड़ी का शीशा टूटने के बाद हमलावरों के पत्थरों को हाथ से रोका था और इसी वक्त उनके हाथ पर चोट लग गई। पश्चिम बंगाल के डायमंड हाइब्रन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब अपने काफिले के साथ पहुंचे तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान काफिले में शामिल बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। इस दौरान बीजेपी महासचिव बाल बाल बचे हैं। इस घटना के बाद उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया। बीजेपी महासचिव ने कहा कि मैं इस हमले में घायल हो गया हूँ। पार्टी अध्यक्ष की कार पर भी हमला किया गया। पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने हम पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे हम अपने देश में नहीं हैं। आपको बता दें, दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है। ये बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। इस हमले के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, आज जो घटना हुई है वह ममता बनर्जी की बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख चुका है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों फिर भी हम डरने वाले नहीं। वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो, श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सलूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कायराना बताया। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की कार पर ममता दीदी ने हमला करवाया, यह कायराना हमला है, यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली बीजेपी बंगाल चुनाव पर अपने तेवर नरम करने के मूड में कतई दिखती नहीं है। बंगाल में मिशन 200 प्लस के लक्ष्य के साथ जैसे जैसे बीजेपी का प्रचार आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता में बैठी ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ रही है। इसका अंदाजा जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से लगाया जा सकता है।